सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा की गई टिप्पणी के बाद विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावार हो गई है। साथ ही उदयनिधि स्टालिन को लेकर राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला गया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, अतः इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म पर और कई विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और विपक्षी गठबंधन के नेताओं से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है। सनातन धर्म पर उठे इस विवाद पर सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं नेता मनोज झा ने इस विवाद पर क्या कहा। कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भितर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। बाबा रामदेव ने भी सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करने वालों के लिए कहा कि जो सनातन धर्म के लिए बुरा बोल रहे हैं, उन्हें 2024 में मोक्ष प्राप्त होगा। के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड से तुलना की है रामचरितमानस। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। बीजेपी नेता दिया कुमारी ने भी स्टालिन के बयान की निंदा की और उनके बयान को ओझा बताया। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, सनातन धर्म भारत की संस्कृति है, आगे उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है और खत्म करने की बात की है, क्या करेंगे? ये उनकी ओछी मानसिकता दिखाता है। हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है और भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है, उसके बारे में उनकी इस तरह के शब्द उनको शोभा नहीं देते। उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये सोचना चाहिए था कि जब वो इतने बड़े नेता हैं और ऐसी ऐसी ओछी बात करेंगे तो इससे जनता, बहुत जनता के मन को ठेस पहुँचेगी। तो ये उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। और जो सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा पूरा देश में बहुत सारे हमारे सनातनी हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलने उनको शोभा नहीं देता, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी स्टालिन के बयान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। आप भी सुनिए। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। आचार्य प्रमोद ने भी सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान को गलत बताया और कहा, कई हजारों सालों से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सनातन ना कभी मिटा है और ना कभी मिटेगा। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़सी मची हुई है नेताओं में, सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया।
लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। रविशंकर प्रसाद ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपनी तीखी टिप्पणी दर्ज करवाई। उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म करने वाले हैं। मुगल से लेकर अंग्रेज तक कोई खत्म नहीं कर पाया सनातन को। कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बात पर चुप क्यों है? आखिर वो चुप क्यों है? क्यों नहीं जवाब देते हैं कि वो सनातन का सम्मान करते हैं या नहीं? को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे? लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं, और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया? लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप हैं, तो आज मैं कांग्रेसियों के ज्ञान के लिए कुछ बात बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को संविधान में कितना सम्मान दिया गया है। यह है भारत का मूल संविधान, और कांग्रेस के लोग समझिए कि जब संविधान बना तो एक विचार हुआ कि ऐसे इसको प्रस्तुत कर दिया जाए। तब फिर क्या नेहरू जी, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर अंबेडकर, क्या सरदार पटेल, क्या मौलाना आजाद ने कहा कि हम भारत की परंपरा, संस्कृति, संस्कार को डालेंगे इसमें। ये देखिए, मैं दो तीन, ये है फंडामेंटल राइट, उस पर क्या तस्वीर है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। और ये देखिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल के ऊपर प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। और कांग्रेसियों के लिए ये देखिए, ये नटराज भारत के संविधान में, और एक मैं बाकी जितने गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सब लोग हैं, लेकिन एक जो रोचक मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, इसमें हनुमान जी की भी मूर्ति है। ये देखिए, ये भारत का ओरिजिनल संविधान है, और ये कांग्रेसियों को बताना जरूरी है, वो भूलते हैं और बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो जरा देख लें, ये दस्तखत किसका है? सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू, और बाकी सभी नेताओं का है। और नेक्स्ट पेज पे जाइए तो सरदार पटेल का है, ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सबके दस्तखत। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, सूर्य की तरफ कोई थूकेगा तो थूक उसके मुंह पर ही आके गिरेगा। सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना कभी मिटेगा। पर इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन
इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा, आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी यह नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है जब भारत के सुश्री नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पद पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के ऐसे